नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका जोरदार स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बना पाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा आज का सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो मैं आपको इसमें कवर कराऊंगा इस वीडियो में, वो टॉपिक है नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया। मैं आपको विद मैप, कैपिटल और करेंसीज इनकी साथ में इसमें कवर कराऊंगा। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो में पूरी मैं लिस्ट ऑफ नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और मैंने इससे पहले आपको जो लिस्ट प्रोवाइड कराई है वो हमारी जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, मेजर कंट्रीज़, उनकी कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, ये मैंने आपको दो वीडियोस में कवर कराया है। एक पार्ट वन है, एक पार्ट टू है। अगर आपने वो वीडियोस अभी नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, ठीक है। और साथ ही उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। और आप मुझे लास्ट, टिल वीडियो के लास्ट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और साथ ही इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक, जो सोशल मीडियाज़ के हमारे नेटवर्क हैं उनका लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहाँ से हम उन जो हमारा चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, आज मैं आपको जितनी भी हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं इंडिया की, ये मैंने आपको रह गई थी तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में ये कवर कराऊंगा। इसमें मैं आपको कैपिटल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और साथ ही बॉर्डर स्टेट्स और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का जो हम देखिए आप, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहले मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा इसमें और फिर एक वन टू वन हम एक कंट्री उठा लेंगे, उसके बारे में सब इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो पहले नेबर कंट्रीज, उनकी कैपिटल, करेंसी और बॉर्डर स्टेट, कौन कौन से बॉर्डर स्टेट वहाँ पे शेयर करते हैं बाउंड्री। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं आप, पहला जो हमारा है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कैपिटल काबुल है, करेंसी अफगानी है और ये बॉर्डर स्टेट कौन सा लगता है, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा पार्ट, पीओके पार्ट मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, वो बॉर्डर स्टेट यहाँ पे बॉर्डर लाइन शेयर करता है किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान की कैपिटल आपको याद रखनी है, कैपिटल क्या है, काबुल है, तो काबुल आपको याद रखनी है। करेंसी क्या है, अफगान अफगानी है। बॉर्डर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर है, याद रहेगा आपको। तो जैसे अफगानिस्तान नाम याद आए तुरंत, कैपिटल काबुल, करेंसी अफगान अफगानी। नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, कैपिटल ढाका है और करेंसी क्या है, बांग्लादेशी टका। तो आपको याद रखना है बांग्लादेश, बांग्लादेशी कैपिटल क्या है, ढाका है और यहाँ की करेंसी क्या है, बांग्लादेशी टका। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए बांग्लादेश के। अब कौन कौन से बॉर्डर स्टेट यहाँ पढ़ते हैं बांग्लादेश का बॉर्डर स्टेट शेयर करते हैं, तो वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब पहले आपको पता होना चाहिए बांग्लादेशी कैपिटल क्या है, कैपिटल ढाका है, करेंसी क्या है, बांग्लादेशी टका है, ठीक है। और इस बॉर्डर स्टेट कौन से हैं इसके, तो वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम। मैं आपको अभी इसका मैप भी दिखाऊंगा, मैप में बांग्लादेश भी दिखाऊंगा, कौन कौन से स्टेट जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा बॉर्डर स्टेट, ठीक है। तो बांग्लादेश ढाका, बांग्लादेशी टका, अफगानिस्तान काबुल, अफगान अफगानी, याद रहेगा। चलिए फिर नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है वो है भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है, भूटान की कैपिटल थिम्पू है, ठीक है। भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू है और नगलट्रम यहाँ की करेंसी है। तो आपको ये इतना इसके बारे में पता होना चाहिए, भूटान कैपिटल थिम्पू है, करेंसी नगलट्रम है। भूटान कैपिटल थिम्पू है, करेंसी नगलट्रम है। अब बॉर्डर स्टेट कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल बॉर्डर स्टेट हैं जो भूटान के साथ बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम,
सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, तो ये बॉर्डर स्टेट आपको नाम याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कोई भी आपको चार नाम दे देगा, इसमें कौन सा बॉर्डर स्टेट नहीं है जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ऐसा आपसे पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, ये भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, स्टेट हैं हमारे इंडिया के। अब भूटान कैपिटल थिम्पू है, करेंसी नगर ट्रंप है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे कंट्री वो है चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। और यहाँ की करेंसी क्या है? चाइनीज़ युआन और रेनमिनबी। तो आपको रेनमिनबी याद रखना है, रेनमिनबी यहाँ की क्या है? करेंसी है। और जैसे हमारी इंडिया की रुपया है, और इस छोटा जो हमारा जो पैसा है वो रुपया से छोटा है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर रेनमिनबी मेन है और युआन रेनमिनबी क्या है? इसका पार्ट है। अब बॉर्डर स्टेट कौन कौन से हैं? तो बॉर्डर स्टेट भी आपको पता होना चाहिए। बॉर्डर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये इसके बॉर्डर लाइन यहाँ से शेयर होती है। किसके साथ? चाइना के साथ। तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। चाइना कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिनबी है, और युआन भी आपको याद रखना है। चाइना कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उसमें पहली है म्यांमार। म्यांमार की जो क्या कैपिटल है? वो नाइफिदियो है और यंगयोन। तो नाइफिदियो या यंगयोन यहाँ की क्या है? कैपिटल है। और वर्मीशी क्यात यहाँ की करेंसी है। तो आपको याद रखना है म्यांमार के बारे में, कैपिटल नाइफिदियो है, करेंसी बर्मीशी क्यात है, ठीक है, नाइफिदियो और बर्मीशी क्यात कहाँ के हैं? ये म्यांमार के। अब कौन कौन से बॉर्डर स्टेट हैं? तो बॉर्डर स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। तो आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। म्यांमार के बॉर्डर स्टेट किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, कौन कौन से स्टेट हैं वो इंडिया के, कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए म्यांमार के बारे में। अब इसकी इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे म्यांमार से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप वीडियो से जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर जो नेक्स्ट जो हमारा जो स्टेट है वो कौन सा स्टेट नहीं, कंट्री है, जो इंडिया की नेबर कंट्री है वो है नेपाल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, करेंसी नेपाली रुपया है, ठीक है, नेपाली रुपी यहाँ की करेंसी है, कैपिटल काठमांडू है, किसकी? नेपाल की। और कौन कौन से बॉर्डर स्टेट हैं? तो वो हैं सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, यहाँ यहाँ इसके ये कौन है बॉर्डर स्टेट हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए नेपाल के बारे में, नेपाल के कौन कौन से बॉर्डर स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। अभी मैं मैप में बताऊंगा जिससे आपको सब ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो नेपाल की कैपिटल क्या है? कैपिटल है काठमांडू, और करेंसी क्या है? नेपालीज रुपी, ये यहाँ की नेपाल की क्या है? करेंसी है। तो इतना आपको नेपाल के बारे में पता होना चाहिए, नेपाल कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपालीज रुपी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंट्री है पाकिस्तान है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, और पाकिस्तानी रुपी क्या है? यहाँ की करेंसी है। पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद है, और करेंसी पाकिस्तानी रुपी है। अब कौन कौन से बॉर्डर स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ? तो जो हमारे स्टेट हैं वो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी पाकिस्तानी रुपी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा कंट्री है वो है श्रीलंका। ये सी बॉर्डर यहाँ से शेयर करता है, ठीक है, तो इसको इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये सी बॉर्डर के साथ श्रीलंका हमारा नेबर कंट्री है। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो, और श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो इतना आपको श्रीलंका के बारे में पता होना चाहिए। कि श्रीलंका की तुरंत अगर कैपिटल पूछ लिया जाए तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है, किसकी? श्रीलंका की। अब
श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंकन रुपी कहाँ की किसी करेंसी है? तो श्रीलंका की है। कैपिटल क्या है? कोलंबो। कमर्शियल कैपिटल श्री जयवर्धन पूरे कोटे। लेजिस्लेटिव कैपिटल। अब एन आइसलैंड नेशन है ये इन इंडियन ओशियन का, साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट में पड़ता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा कंट्री है हमारा? वो है मालदीव। मालदीव भी सी बॉर्डर से करता है ये। मालदीव की कैपिटल माले है। मालदीवियन रुपया यहाँ की करेंसी है, तो इतना आपको मालदीव के बारे में पता होना चाहिए। मालदीव कैपिटल माले और मालदीवियन रुपया यहाँ की करेंसी है, ठीक है। और ये भी एक आइसलैंड कंट्री है इन इंडियन ओशियन, साउथ एशिया की है ये, ठीक है। और साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया के मतलब ये आपकी है ये, तो आपको याद रखना है मालदीव सी बॉर्डर शेयर करता है। अब कैपिटल क्या है? माले है। करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन सी कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले हमारी जो पड़ेगी वो है ये आपकी अफगानिस्तान। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र है। थोड़ा मैप कट गया है इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है जो अफगानिस्तान है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान किस किस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और आपका गुजरात। ये आप मैप में देख रहे होंगे, इससे आपका और क्लियर हो जाएगा अगर आपको इंडिया का मैप पता है तो आपको जो बॉर्डर स्टेट हैं इनको ढूंढने में काफ़ी आसानी होगी और आपको याद भी अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है नेपाल है, ये आप देख रहे होंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ ही आपका यहाँ पर आकर वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये इन इनके साथ नेपाल बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट आपका चाइना है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट जो आपका है भूटान, भूटान अरुणाचल प्रदेश, असम और आपका सिक्किम, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है बांग्लादेश है। बांग्लादेश किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो आपका वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इन इन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आपका ये आ गया श्रीलंका, ठीक है। ये आ गया आपका म्यांमार, तो यहाँ पे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये इन सब स्टेट के साथ म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। सारी 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 कंट्री हो गई आपकी यहाँ पर। एक ये आपका आ गया इधर मालदीव, तो आपको इतना सब इनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से आपको मैप से और क्लियर हो जाएगा, इसको 2 से 3 बार इस मैप को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट श्रीलंका। अब मैं आपको पर्टिकुलर एक कंट्री उठाऊंगा, उसके बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे श्रीलंका के बारे में वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। अब पहली प्रेसिडेंट कौन है श्रीलंका के? तो गोताबाया राजपक्षे। गोताबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? तो महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे हैं और प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स श्रीलंका के हैं, तो इतना आपको यहाँ के बारे में पता होना चाहिए। नेबर कंट्रीज़ है, एग्ज़ाम में आने के चांस ज़्यादा हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल, करेंसी और पार्लियामेंट, ये सब मैं आपको इनके बारे में कवर कराऊंगा, हर एक कंट्री के बारे में जो जो नेबर कंट्रीज़ हैं इंडिया की। तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन हैं? गोताबाया राजपक्षे हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे हैं। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे यहाँ की कैपिटल भी है और लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी यहाँ की करेंसी है श्रीलंका की। पार्लियामेंट का नाम क्या है? पार्लियामेंटुआ, ठीक है, ये इसका पार्लियामेंट का नेम है। यहाँ मैंने आपको सीटें भी दे दी हैं, तो इतना आपको अंदाजा पड़ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 225 यहाँ की सीट हैं। पार्लियामेंट का नेम पार्लियामेंटुआ है। करेंसी श्रीलंकन रुपी है। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। प्रेसिडेंट कौन है? गोताबाया राजपक्षे।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारे कंट्री है बांग्लादेश है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन हैं? अब्दुल्ला हामिद। अब्दुल्ला हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। पीएम कौन है? पीएम है शेख हसीना। शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद है। कैपिटल मैंने बताई दी आपको, बांग्लादेश की ढाका है। करेंसी बांग्लादेशी टका है। और पार्लियामेंट का नेम इंग्लिश में तो हाउस ऑफ नेशन है, और आपकी बंगाली में जैटिया संघ साध है। जैटिया, ठीक है, जतियो संघ साध बंगाली में है, हाउस ऑफ नेशन इंग्लिश में है। अब बॉर्डर लाइन, ये गलत दे रही है, रेड क्लिफ बॉर्डर लाइन नहीं कहते हैं, रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन का नेम है, तो ये आपका गलत है, इसे इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए फिर, आपको प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए बांग्लादेश के, अब्दुल्ला हामिद। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। कैपिटल ढाका है। करेंसी बांग्लादेशी टका है। पार्लियामेंट का नाम जतियो संसद बंगाली में, एंड हाउस ऑफ नेशन इंग्लिश में। मेंबर 350 मेंबर्स हैं। तो आपको कम से कम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैपिटल और करेंसी, जितनी भी इंडिया की जो नेबर कंट्रीज़ हैं इनके सबको पता होना चाहिए। अगर आप पार्लियामेंट का नेम भी याद कर लेते हैं तो ये भी अच्छी बात है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो जो आपके लेके आऊँगा कंट्रीज से रिलेटेड, तो उसमें मैं जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके पार्लियामेंट का जो क्या पार्लियामेंट का नेम है जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, वो मैं आपको एक वीडियो में कवर कराऊँगा। तो आपसे आपकी वो उस वीडियो से जितनी भी पार्लियामेंट का नेम है वो सब क्लियर हो जाएगा, कि जापान की पार्लियामेंट का नेम क्या है, रशिया का क्या है, यूएसए का क्या है, सब आपको मैं उस वीडियो में कवर करा दूंगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारी जो कंट्री है वो है नेपाल। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। के पी शर्मा ओली यहाँ के पीएम हैं। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? तो काठमांडू। काठमांडू क्या है? कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है। करेंसी नेपालीज रुपी है। ठीक है, करेंसी भी आपको पता होना चाहिए। करेंसी नेपालीज रुपी है। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी काठमांडू है। प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओली हैं। और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब पार्लियामेंट का नेम क्या है? तो वो है द नेशनल असेंबली। द नेशनल असेंबली पार्लियामेंट का नेम है। 275 सीट्स हैं, ये आप याद कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, के पी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर हैं, काठमांडू कैपिटल है, करेंसी नेपाली रुपया है, इतना तो आपको नेपाल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं। प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओली हैं। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी काठमांडू है। करेंसी नेपाली रुपी है। पार्लियामेंट का नाम द नेशनल असेंबली है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट कंट्री आई है आपकी, वो है चाइना। प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग है। कैपिटल क्या है? कैपिटल बीजिंग है चाइना की। और इसकी जो करेंसी है रेनमिनबी है। पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली है। यहाँ इसके मेंबर्स दे रखे हैं, 2980 मेंबर्स हैं। पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली है। और इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन लाइन, ये इसका नाम है। इंडिया और चाइना की बॉर्डर लाइन को क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन कहा जाता है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। कैपिटल बीजिंग है। पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली है। तो इतना आपको चाइना के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारी जो कंट्री है अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी हैं। अशरफ गनी प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान के। कैपिटल काबुल है और लार्जेस्ट सिटी भी काबुल है। करेंसी अफगान अफगानी है। पार्लियामेंट का नाम वोलेसी जिरगा। वोलेसी जिरगा लोहर हाउस है। 250 मेंबर्स हैं, 250 मेंबर्स हैं वोलेसी जिरगा। बॉर्डर लाइन डोरेंट लेन। किसकी डोरेंट लाइन, किसको कहा जाता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है डोरेंट लाइन। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट अशरफ गनी है। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी काबुल है। करेंसी अफगान अफगानी है। पार्लियामेंट का नाम वोलेसी जिरगा है। ये डोरेंट लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की है, तो ये आप ध्यान रखना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ठीक है, ये आप इंडिया और अफगानिस्तान मत रखना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। डोरेंट लाइन
अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसे डूरंड लाइन कहा जाता है। प्रेसिडेंट अशरफ गनी है। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी काबुल है। करेंसी अफगान अफगानी है। पार्लियामेंट का नेम पॉलिसी जिरगा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारी कंट्री है इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी जो कंट्री है वो है भूटान। भूटान की जो किंग हैं वो हैं ड्रक ग्यालपो। ड्रक ग्यालपो ड्रैगन किंग बोला जाता है इनको। ये भूटान के किंग हैं। नेम ऑफ किंग ड्रक ग्यालपो। पीएम कौन है यहाँ पे? लोटे शिरिंग। लोटे शिरिंग यहाँ के पीएम हैं। और कैपिटल भूटान की याद रखनी है थिम्पू है। करेंसी नगलट्रम है। नगलट्रम करेंसी है। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी थिम्पू है। पीएम कौन है? लोटे शिरिंग। लोटे शिरिंग यहाँ के पीएम हैं। तो आपको इतना भूटान के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लोटे शिरिंग पीएम है। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी थिम्पू है। करेंसी नगलट्रम है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मालदीव्स। मालदीव्स के बारे में प्रेसिडेंट कौन है मालदीव्स के? इब्राहिम मोहम्मद सोलह। इब्राहिम मोहम्मद सोलह यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी माले है। करेंसी मालदीवियन रुपया है। और पार्लियामेंट का नाम पीपल्स माजल्स। यहाँ पीपल्स माजल्स यहाँ की पार्लियामेंट का नेम है। आपको प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है मालदीव्स के। मालदीव के प्रेसिडेंट का नाम इब्राहिम मोहम्मद सोलह है। ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोलह यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कैपिटल माले है और लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी मालदीवियन रुपया है। मालदीवियन रुपया करेंसी है। लार्जेस्ट सिटी और इसकी कैपिटल माले है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलह यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब पार्लियामेंट का नेम मालदीव की तो वो क्या है? पीपल मजलिस। इतना आपको मालदीव के बारे में पता होना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, करेंसी, कैपिटल, पार्लियामेंट का नेम और बॉर्डर, ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आप बताइए प्रेसिडेंट का नेम क्या है? आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं। क्रिकेटर इमरान खान यहाँ के पीएम हैं। कैपिटल सबको पता होगी इस्लामाबाद है। करेंसी पाकिस्तानी रुपी है। अगर आपको ये सब याद है तो आप मेरे साथ साथ रिवाइज कर सकते हैं जिससे आपको और ये कंफर्म हो जाएगा और आप ये लिप्स पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर रिवाइज करते हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। पीएम इमरान खान हैं। कैपिटल इस्लामाबाद है। करेंसी पाकिस्तानी रुपी है। और यहाँ की पार्लियामेंट का नेम है नेशनल असेंबली। टोटल सीट्स 342 हैं। ठीक है, और बॉर्डर लाइन को इंडिया और पाकिस्तान की क्या कहा जाता है? तो रेड क्लिफ लाइन। अभी तक मैंने आपको तीन बता दी हैं, तीनों आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन को डूरंड लाइन कहा जाता है। और इंडिया और चाइना की जो लाइन है बॉर्डर लाइन उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं। कैपिटल इस्लामाबाद है। करेंसी पाकिस्तानी रुपी है। और यहाँ की पार्लियामेंट का जो नेम है नेशनल असेंबली है। तो आपको ये पता होना चाहिए सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान में। इतना तो आपको यहाँ से कवर करना ही है। और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको मैं डे बाई डे कवर कराता रहूँगा। तो आप वीडियो से जुड़े रहिए और साथ ही आपको ये वीडियो कैसा भी लगा हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है म्यांमार है। म्यांमार के पीएम अभी हाल ही में इलेक्ट हुए हैं। इन्होंने ये पीएम बने हैं दोबारा। ऑंग सन सू की ये यहाँ के पीएम बने हैं। तो आपको ये प्राइम मिनिस्टर का नेम याद रखना है। किसके? म्यांमार के ऑंग सन सू की। प्रेसिडेंट कौन है? विन मिंट हैं। विन मिंट प्रेसिडेंट हैं। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी नेफ्यू दियो है। करेंसी बर्मीशी क्याट है। पार्लियामेंट का नाम द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। 440 सीट हैं। पार्लियामेंट का नेम आपको याद रखना है द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ये यहाँ की पार्लियामेंट का नेम है। बर्मीशी क्याट ये करेंसी है। कैपिटल नेफ्यू दियो है। कहाँ की? म्यांमार की। तो आपको कैपिटल और करेंसी सबका पता होना चाहिए। ठीक है,
कैपिटल नेफिथियो है, करेंसी वर्मीशी क्याट है, और प्रेसिडेंट का नेम विन मिंट है, और पीएम जो हाल ही में इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, ओंग सन सू की, ओंग सन सू की यहाँ की पीएम है, प्रेसिडेंट विन मिंट है, कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी नेफ्यूदियो है, ठीक है, नेफ्यूदियो यहाँ की क्या है, कैपिटल भी है और लार्जेस्ट सिटी भी है, करेंसी वर्मीशी क्याट है, प्रेसिडेंट विन मिंट, पीएम ओंग सन सू की, कैपिटल नेफ्यूदियो है, करेंसी वर्मीशी क्याट है, और पार्लियामेंट का नेम द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। टोटल सीट्स 440 हैं, 440 टोटल सीट्स हैं। चलिए फिर, जितनी भी हमारी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ थी वो मैंने आपको सभी कवर करा दी हैं, ठीक है। आप इसको 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इन कंट्रीज़ के बारे में सब आपको रिवाइज हो जाएंगे। अब जो हमारी कंट्रीज़ है, पहली है अफ़गानिस्तान, ये आपको मैप में दिख रही होगी, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, इनके बॉर्डर स्टेट भी मैंने आपको बता दिए हैं, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और नीचे आपका ये आ गया श्रीलंका, और यहाँ पे आपका आता है मालदीव्स, कैपिटल माले, मालदीवियन रुफिया करेंसी। तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, श्रीलंका कैपिटल कोलंबो, जी जयवर्धनपुरे कोटे लेजिस्लेटिव कैपिटल, और कोलंबो कमर्शियल कैपिटल मैन, ठीक है। ऐसी जितनी आपको ये कंट्रीज़ हैं इनका आपको सबकी कैपिटल करेंसी तो पता होना चाहिए, और साथ ही पीएम और प्रेसिडेंट भी याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। क्यों पूछ लिए जाते हैं? क्योंकि ये इंडिया की नेबर कंट्रीज़ हैं, यहाँ से क्वेश्चन के आने के चांस ज़्यादा होते हैं, और साथ ही ये हमारी करंट में भी कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें चलती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ से करंट का भी इम्पोर्टेंट पार्ट बनती हैं ये कंट्रीज़। तो इतना आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दिया है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट जो हमारे देश थे, जो मैंने आपको 2 वीडियोस में कवर कराए हैं, उसमें 3-4 मैं आपको और बताता हूँ जो आपके इम्पोर्टेंट बनेंगे करंट अफेयर के पार्ट से। देखिए आप, ये हमारा एंडोरा, एंडोरा क्यों इम्पोर्टेंट बनेगा मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल है एंडोरा लेवेला, और जो करेंसी है वो है यूरो, ये यूरोप का देश है एंडोरा, कैपिटल एंडोरा लेवेला है, करेंसी यूरो है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों बनेगा? क्योंकि एंडोरा ने अभी ही ज्वाइन करा है किसको? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, आईएमएफ को ज्वाइन करा है, और वर्ल्ड बैंक। तो ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का 190th मेंबर बन गया है, कौन? एंडोरा। 190th देश जो मेंबर बना है वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का, वो है एंडोरा। तो एंडोरा की कैपिटल एंडोरा लेवेला है, करेंसी यूरो है। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एंडोरा कैपिटल एंडोरा लेवेला है, करेंसी यूरो है। अब एंडोरा इम्पॉर्टेंट क्या है एंडोरा के लिए? एंडोरा इज़ ए माइक्रो स्टेट है ये, सिचुएटेड बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, ठीक है। ये आपको मैंने मैप में भी शो कर रखा है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। हाउएवर इट इज़ अ लार्जेस्ट माइक्रो स्टेट, ठीक है, माइक्रो स्टेट इन यूरोप। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में, ये इम्पॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि अभी ही ये ज्वाइन करा है, ये 190th मेंबर बना है किसका? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का और वर्ल्ड बैंक का। नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है वो है नोरू। नोरू क्यों इम्पोर्टेंट बनेगी? क्योंकि जब 190th मेंबर बना है, देखिए लास्ट मेंबर बना है कौन? एंडोरा। तो इससे पहले कौन था? जो 189th मेंबर था इससे पहले वो कौन था? वो आपका नोरू था। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। नोरू की कैपिटल यारेन है, यारेन कैपिटल है, और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की क्या है? करेंसी है। मैप ये रहा आपका, ठीक है। तो नोरू कैपिटल यारेन है, करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, ठीक है। ये टिनी साउथ पैसिफिक, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। टिनी साउथ पैसिफिक आइसलैंड नेशन है ये। नोरू हैज़ बिकम द 189th मेंबर बना था ये किसका? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का और वर्ल्ड बैंक का, लेकिन अब 190th मेंबर आ गया है तो ये सेकेंड लास्ट मेंबर बन गया है नोरू अब। और जो 190th मेंबर है उसका नाम आपको याद रखना है एंडोरा, कैपिटल एंडोरा लिवेला, करेंसी यूरो, और नोरू कैपिटल यारेन, करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। चलिए फिर आगे, जो हमारा जो कंट्री है इम्पोर्टेंट बनेगा वो है न्यू। न्यू कैपिटल अलोफी है और करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी है, कैपिटल अलोफी है, और
कंट्री कौन सा था? न्यू, न्यू की कैपिटल अलोफी, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। ये क्यों इंपॉर्टेंट बनेगा? क्योंकि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव द मेंबरशिप, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए आप, हैज़ अप्रूव द मेंबरशिप, किसको? न्यू को। तो न्यू को इसको उन्होंने मेंबरशिप दी थी एज द बैंक 60th, ठीक है, 60th ओवरऑल मेंबर हैं इसमें, और 49th फ्रॉम एशिया, जिसमें 49th कहाँ के हैं? एशिया के हैं। तो ये 60th मेंबर है, लास्ट मेंबर है कहाँ का? एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। कब बना था ये? 11 मार्च 2019। तो कंट्री न्यू, लास्ट मेंबर है कहाँ का? एशियन डेवलपमेंट बैंक का, कैपिटल अलोफी है, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिस समय जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाई डे मिलता रहेगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। चलिए फिर इसी के साथ गुड बाय, मस्त रहें, व्यस्त रहें।